नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले देख रहे हैं खबर की सुर्खियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का है आखिरी मौका। निगम में ठेके पर काम करने वालों को नहीं मिला वेतन, काम छोड़ मोतीबाग में दिया धरना। महासमुंद मामले में कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा छत्तीसगढ़ बन गया है जम्मू कश्मीर। खेती किसानी की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री ने ली बैठक, बीजों की उपलब्धता के लिए अफसर को दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। राज्य में नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जर्जर भवन वाले मतदान केंद्रों को इस बार बदलने की तैयारी की गई है। निरीक्षण करने के बाद इसके लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा। 21 जून से 20 जुलाई तक मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 1 जनवरी 2018 के संदर्भ में किया जा रहा है। त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण में सभी से सहयोग की अपील की गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 से 20 जून तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया गया है। रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 49 मोबाइल ऐप के माध्यम से यह कार्य किया गया है। इस सर्वे में निशक्तजनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्किंग कॉपी में प्रावधान दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1802 मतदान केंद्र हैं। यहाँ वर्तमान में 15,99,924 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़ने, विलोपन या संशोधन कराना है, वे इस अंतिम अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया है कि इस अभियान के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्रदान करें, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। कलेक्टर ओपी चौधरी ने बताया कि एक BLA एक बार में 10 फॉर्म और पूरे माह में 30 फॉर्म जमा कर सकेगा। शहरी क्षेत्र में 1400 और ग्रामीण क्षेत्र में 1200 मतदाता होने से उक्त मतदान केंद्रों में नए मतदान केंद्र या सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई को होगा, जिस पर दावा आपत्ति की तिथि 21 अगस्त होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जाएगा। रायपुर जिले में जो से संबंधित जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो 1802 पोलिंग बूथ मतदान केंद्र हैं रायपुर जिले में, उनसे संबंधित इलेक्शन की गतिविधियां बहुत तेज़ी से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संचालित हो रहे हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी हो रही है, अभी चल रही है, वो BLOs की है। BLOs फील्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, घर टू होम टू होम जाकर, और उसको BLO ऐप के माध्यम से अपडेट करते जा रहे हैं। लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी OP चौधरी ने राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति भी करने को कहा है, ताकि उनके माध्यम से मतदाताओं के आवेदन को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जा सके। देश टीवी के लिए M कोरलैया की रिपोर्ट। जेल में कैद कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने CM हाउस घेरने रैली निकाली, जिसे पुलिस ने आधे रास्ते में ही रोक दिया। कुछ देर बाद एक प्रतिनिधिमंडल CM हाउस के अधिकारियों से मिला, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। 14 जून को प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान 14 आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को CM हाउस का घेराव करने रैली निकाली। धरनास्थल में प्रदेश भर से आप कार्यकर्ता एकजुट हुए और राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी।
इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही सरकार द्वारा विधानसभा प्रत्याशियों पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। जैसे ही ये रैली स्प्रेशाला मैदान के नज़दीक पहुंची, वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें वहीं रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ता वहीं हंगामा करने लगे और सीएम हाउस तक जाने देने की बात कहने लगे, लेकिन पुलिस बल ने उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया। ये सरकार जो है कायरों की सरकार है, कायर लोग सत्ता में आ गए तो इनको डर लगा रहता है हर हमेश कि हम सत्ता से बाहर न चले जाएं। लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि यदि वो वोट देती है तो वो ये पूछे कि 5 साल के अंदर भी, खुद जयप्रकाश जी ने कहा है, लोहिया जी ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि सामाजिक सरोकार में महात्मा गांधी ने भी कहा कि जनता का ये अधिकार है कि पूछे, ये काम नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं कि 5 साल में हम एक बार वोट दे दें लोगों को और उसके बाद फिर हम 5 साल इंतज़ार करते रहें। हम पूछने का, हम वही तो पूछना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को क्या किया आप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार सीएम हाउस जाने की जिद करने पर जिला प्रशासन ने उनके एक प्रतिनिधि मंडल को सीएम हाउस जाने की अनुमति दे दी, जहां उन्होंने सीएम हाउस जाकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सभी को जेल से रिहा करने की मांग की। अधिकारियों ने जल्द ही सभी को रिहा करने की बात कही। आपको हम बता दें कि पीएम आगमन के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता जनता की परेशानियों को लेकर पीएम से मिलने गए थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत 27 जून तक के लिए जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। निगम में ठेके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, इससे नाराज कर्मचारियों ने मोतीबाग में बुधवार को धरना दिया, जहां उन्होंने ठेकेदार द्वारा वेतन रोकने का आरोप भी लगाया है। नगर निगम ने अपने अधिकतर कार्यों को ठेके पर दे दिया है, ठेकेदार कर्मचारियों को काम में रखकर कार्य करवा रहे हैं। ऐसे में उद्यानिकी विभाग में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने मोतीबाग गार्डन में धरना दिया, जहां उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही जल्द से जल्द वेतन दिलाने की गुहार भी लगाई। कर्मचारियों की माने तो जब से उद्यानिकी विभाग में ठेके पर कार्य दिया गया है, तब से ठेकेदार द्वारा वेतन देने में लेट लतीफी की जाती है। सर, हम लोग का भी 3 महीने तक के पेमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग का हालत ख़राब है। अभी एडमिशन का काम आ गया है सामने, लेकिन स्कूल में जाने से क्या है, साल भर का कुछ पैसा हम लोग का बचा है, उनको पहले पेमेंट करो तभी तुम्हारे बच्चे का हम एडमिशन लेंगे, ऐसे करके स्थिति खराब हो चुकी है। घर में आप मैं कुली का काम करते हैं हम लोग सभी जने, लेकिन आर राउंडर हैं, झाड़ जहाँ कहीं भी गिरते हैं तो झाड़ कटिंग में भी चले जाते हैं, पेड़ पौधा का काम भी कटिंग उटिंग कर लेते हैं, पौधा लगाने का काम भी कर लेते हैं, कभी कभी टैंकर में पानी सिंचाई का काम भी कर लेते हैं, डिवाइडर में भी जाते हैं सर, ऐसे कोई स्थायी जगह काम नहीं है, सभी जगह काम करते हैं। घर में तो स्थिति पूरा ख़राब है, गड़बड़ चल रहा है, जाते हैं तो भाई बच्चा पूछता है कि पैसा लाते ला के नहीं रहे थे, हम बोलते हैं कि तनख्वाह मिलना नहीं है, ठेकेदार नहीं दे रहे, तो इसी जाकर इसी क्या करते हैं, बैठे रहते तो घूमते रहते हैं इसी। आपको हम बता दें कि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, ऐसे में उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। फिलहाल जल्द मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय में प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों का वेतन कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस कर्मियों द्वारा किए जा रहे मांगों का समर्थन किया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंह में काली पट्टी बांधकर प्रदेश के गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपने पैदल मार्च निकाली। पैदल मार्च जब नगर निगम के पास पहुंचा तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया, जिससे कार्यकर्ता गृहमंत्री निवास नहीं जा पाए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे अधिकारी को विकास उपाध्याय ने ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा के दौरान विकास ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत पुलिस के जवान और अधिकारी अपनी जान पर खेलकर आम लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन उन्हें पुराने ढर्रे पर आज तक वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जो शर्मनाक है। परिवार के जायज मांगों का समर्थन कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वजह से पुलिस
वाले जो साथी हैं उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी जैसी बीमारियां उनको लग रही है, जिसका मुख्य कारण सिर्फ ये सरकार है। और सरकार से मांग करने के लिए गृह मंत्री के घर हम लोग जा रहे थे।